स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर करेंगे क्लास टू की। आज हमने पेज करना है वो है पेज नंबर 7 और लेसन 1 है नाउन। नाउन कहते हैं इसम को। नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, कहते हैं नाउन कहते हैं जो नेमिंग वर्ड्स हों, किसी का नाम हो हम कहेंगे ये नाउन है। किसी भी चीज़ का, जगह का या शख्स का नाम हो या एनिमल नेम भी हो सकता है, उसे हम कहते हैं नाउन। नाउन टेल अस द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ये इसकी डेफिनेशन है। बॉय, कैब, डॉग, फिश, ये सब क्या है? नाउन। आगे रिटर्न करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड, लुक एट द पिक्चर, और पिक्चर की तरफ देखते हैं। राइट द करेक्ट नाउन ऑफ ईच पिक्चर, जो पिक्चर के नीचे उनके करेक्ट नेम लिखने हैं नाउन। चूज वर्ड फ्रॉम द लिस्ट गिवन अलोंग साइड, यहाँ पर जो ये चार नाम दिए हुए हैं इनके जो ठीक नेम है वो उसके नीचे लिखने हैं। जैसे ये बेबी है तो यहाँ से बेबी लिख दिया, बैग बैग यहाँ पर है तो बैग यहाँ पर लिख दिया, नाइफ ये नाइफ है तो नाइफ नीचे नाइफ लिख दिया, बुक यहाँ तो बुक यहाँ लिख दिया, इस तरह आपने लिख लेने हैं। आगे डॉट करते हैं। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर की तरफ देखें जो ये पिक्चर बनी हुई है। कैन यू आइडेंटिफाई नाउन इन इट, क्या आप इनमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन्हें ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं इसमें से कि कौन कौन से नाउन है। राइट नेम्स ऑफ 10 नाउन इन योर नोटबुक, और 10 नाउन इसमें से आप नोटबुक पर लिखने हैं। मैंने यहाँ पे 50 नाउन फाइंड आउट किए हैं, 16 आप इसे ज़्यादा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा यहाँ पे सन है, माउंटेन है, ट्रीज हैं, बर्ड हैं, गर्ल है, डॉग है, डक है, रिवर है, बेबी है, बुक्स हैं, अम्ब्रेला है, ट्री है, बॉय है, बुक है, फ्लावर्स, इस टाइम में सबके नेम लिख दिए हैं, आपने भी लिख लेने हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं जो कि पेज नंबर 8 है। पेज नंबर 8 में कह रहे हैं राइट नेम ऑफ द 10 नाउन दैट यू सी इन योर स्कूल, आपने 10 नाउन्स लिखने हैं जो कि आप अपने स्कूल में देखते हैं इर्द गिर्द। जैसे मैं लिखा बैग होता है स्कूल में, बुक है, कॉपी है, डोर, गर्ल, चार, टेबल, बॉय, चेयर्स, इस तरह आप जो से नाउन अपने स्कूल में देखते हैं वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। नेक्स्ट ही डॉट करते हैं। रीड द सेट ऑफ वर्ड गिवन इन द लिस्ट बिलो, इन ईच सेट वन वर्ड इज नॉट आ नाउन, राइट द वर्ड इन योर नोटबुक, कहते हैं यहाँ पे जो ये सेट दिए हुए हैं इनमें से एक नाउन नहीं है, आपने वो फाइंड आउट करना कौन सा नाउन नहीं है। ये नहीं है यानी 1 2 3 4 5 वर्ड दिए हैं इनमें से एक नाउन नहीं है। जैसे ये सारे रोज, लिली, ये सारे फ्लावर्स के नेम हैं, इसमें से वन है ये फ्लावर का नेम नहीं है इसलिए ये नाउन नहीं है, आपने इसको सर्गा कर देना है। जैसे ये मंकी डंकी लाइन जैबरा, ये सारे एनिमल नेम है, डांस एनिमल नेम नहीं है इसलिए आपने इसको सर्कल कर देना है। अफ्रीका, फ्रांस, इंडिया, चाइना, ये सारे कंट्रीज के नेम है। स्लीप होता है सोना, ये वर्ब है इसलिए ये नाउन नहीं है, इसको हमें सर्कल कर देना है। बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, ये सारे फ्रूट्स नेम है। ईट होता है खाना, ये नहीं वर्ब है इसलिए इसको आपने सर्कल कर देना है, ये नाउन नहीं है। इस तरह ये भी सॉल्व हो गया। आगे रीड करते हैं। रीड द दिस पैसिव, फाइंड द नाउन एंड राइट देम इन नोटबुक, डू नॉट रिपीट द वर्ड्स, कहते हैं आपने पिक्चर देखनी है और इनसे नाउन आपने फाउंड आउट कि पिक्चर से ही पैसिव बनाया गया है और आपने ये इसको देखना है और उसके इसमें नाउन फाइंड आउट करने हैं और अंडरलाइन कर देना है। जैसे इसमें से स्कूल है, मैंने अंडरलाइन कर दिया। आई सॉ अ गर्ल, गर्ल नाउन है, डॉग नाउन है, डॉग नाउन है, रिपीट नहीं करना हमने इसलिए, चलिए आप दोनों में लगा दें। ट्राइंग टू कैच द बॉल, बॉल है, बॉल है, बश बुश है यानी यहाँ पे झाड़ियाँ हैं, डॉग है, अंडर द बुश द बॉल, इस तरह ये आपने सारे अंडरलाइन कर देने हैं जो कि इसके अंदर नाउन है। इस तरह पेज नंबर 8 भी सॉल्व हो गया है।